नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे नए हारमोनियम के ऊपर है जो मैंने कल खरीदा था। और मैंने सोचा कि मैं रामनवमी के दिन इसकी शुरुआत करूंगी। तो आइए, सबसे पहले जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको माँ सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, तो हम इसकी पूजा से शुरू करेंगे। आइए चलते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नया हारमोनियम जिसे मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद ख़रीदा था, क्योंकि हारमोनियम या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम लेते हैं तो वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अभी ख़रीद रहे हैं फिर दो चार साल बजाने के बाद फिर हम दूसरा ख़रीद लें, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा और किस टाइप का मेरी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा वो सोच करके मैंने ये हारमोनियम लिया, जिसमें कि 9 स्टॉपर्स हैं और यहाँ पर 7 बेलोज हैं और इसमें एक कपलर लगा हुआ है। तो आइए खोल के इसके देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज रामनवमी है तो श्री राम जी के भजन से इस हारमोनियम की शुरुआत करूंगी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, भाग जा खड़ी की खड़ी रह गई, भाग जा खड़ी की खड़ी रह गई। इस भजन का वीडियो, पूरा वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी और आशा है कि मुझे आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा हारमोनियम भी पसंद आया होगा। अब हारमोनियम तो आ गया, धीरे धीरे इसके नए नए वीडियोस बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।